अब चलो सबसे पहले तुमको मैंने पूरा सीनेरियो को समझाता हूँ, पूरा सिचुएशन था क्या। अब देखो यहाँ पर तुमको सर्कल दिख रहा है कोटाटुआ का। अब यहाँ पर जहाँ पर मैं एरो दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये टीम है करिंथियंस की, जो कि होल्ड कर रही है यहाँ पर सीमेंटेड हाउस ऑरेंज शिप पे। वहीं पर तुमको रिज पे नेट शूज माइनर्स देखने को मिल रही है, जो कि रिज होल्ड कर रही है। लाउड यहाँ पर पीक की तरफ होल्ड कर रही है। अब देखो ये था पूरा सीनेरियो, यही तीन टीम पर पूरा खेला होने वाला है। अब देखो यहाँ पर जोन हो चुका है शिफ्ट एंड करिंथियंस होल्ड कर रही है। लाउड को अब जोन के अंदर आना है, एंड सबसे जो नियरेस्ट एरिया है जोन जाने का वो है कि भाई वो सीधे करिंथियंस से फाइट ले, उनको वाइप आउट करे एंड वहाँ पर होल्ड कर ले। वहीं पर सेम नेट्सूज माइनस के लिए भी यही ऑप्शन है कि वो सीधे पोर्टल मारे, पुश करे एंड देन वहाँ पर पुश करने के बाद करिंथियंस को वाइप करके यहाँ पर होल्ड कर ले वो एरिया को। अब दोनों ही टीमों के पास एक ही ऑप्शन है कि भाई करिंथियंस को वाइप करना है, एंड क्योंकि वही सबसे सेफर ऑप्शन है, सबसे नियरेस्ट ऑप्शन है जो जोन जाने का वही है। अगर वो दूसरा ऑप्शन ढूंढते तो उनके लिए दिक्कत होता, क्योंकि बहुत सारी टीम अलाइव थी यहाँ पर एंड उन्हें ये चीज़ का अच्छे तरीके से अंदाजा था। एंड यही चीज़ करिंथियंस को ये पता था कि भाई सामने हो सकता है कि पीक की तरफ से एक टीम आए एंड वहीं पर नेट्सूज माइनस रिज पे होल्ड कर ही रही हैं। अब देखो आगे क्या होता है यहाँ पर। देखो नेट्सूज माइनस के प्लेयर्स यहाँ पर पोर्टल मारते हैं, थोड़ा देर बाद 11:30 में हमें देखने को मिलता है कि पोर्टल लगता है। नेट्सूज माइनस के रेयन टीम के आईजीएल भी हैं, टीम के नेडर भी, एंड सबसे पहले वो आके यूएवी लाइट का इस्तेमाल करते हैं एंड पीक की तरफ छोड़ते हैं। मैं अपना एरो से तुमको यहां पर दिखा भी रहा हूं। अब देखो वो पीक की तरफ ही क्यों छोड़ते हैं, देखो एक तरीके से जब भी एक 4v4 फाइट स्टार्ट होता है ना, एक आईजीएल का काम होता है कि भाई कोई भी अनएक्सपेक्टेड थर्ड पार्टी ना हो एक 4v4 फाइट में, क्योंकि वो जोन के एज में तो हो सकता है कि कोई टीम रोटेशन ले रही हो पीक की तरफ से, एंड देर इज अ चांस कि भाई उनका जब वो फाइट लेंगे करिंथियंस से तो भाई कोई टीम थर्ड पार्टी ना कर दे। अगर यहाँ पर यूएवी पे कोई टीम नहीं दिखती है तो मैं तुमको लिख के दे सकता हूँ कि नेट्सूज माइनर्स यहाँ पर करिंथियंस से फाइट लेते, क्योंकि नेट्सूज माइनर्स के जो रेयन है उनके पास लॉन्चर भी था। अब यहाँ पर जैसे वो यूएवी लाइट डालते हैं पीक की तरफ, उनको यहाँ पर दिख जाती है कि भाई एक पूरे 4 मैन की टीम है, जो कि थी टीम लाउड की। अब ऐसे में क्या होता है ना कि नेट्सूज माइनर्स के पूरे प्लेयर्स ना करिंथियंस पे ध्यान देना छोड़ देते, क्योंकि वो तो एयरशिप चली गए थे एंड उनको फाइट नहीं लेना था, एंड वहीं पर उनको दिख जाते हैं कि लाउड यहाँ पर पीक की तरफ से आ रही, जो कि जोन के अंदर है अभी। अब यहाँ पर नंदो और रेयन टीम के दोनों ही प्लेयर्स यहाँ पर पीछे की तरफ देखने लगते हैं, एंड वहीं पर जो जनरल और प्रॉक्स है वो यहाँ पर पीछे की तरफ देखने लगते हैं कि भाई कोई टीम थर्ड पार्टी ना कर दे, कोई टीम पुश ना कर दे। तो अच्छा तरीके से दोनों टीमों ने होल्ड किया था यहाँ पर, करिंथियंस ने भी और हमारे नेट्सूज माइनर्स ने भी। और अब स्टार्ट होने वाला है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, क्योंकि यहीं से सीखने की चीज है जो कि एक आईजीएल को बहुत जरूरी होता है। अब देखो यहाँ पर लाउड के प्लेयर जोन के अंदर है, लाउड कुआन जो कि टीम के आईजीएल, उनके दिमाग में भी क्या चल रहा होगा। उन्हें अच्छे तरीके से पता है कि भाई दो टीम वहाँ पर होल्ड कर रही है, एंड क्योंकि वो एज ऑफ द पार्ट सर्कल का है तो वहाँ पर ऑब्वियसली टीम होगी, एंड इसीलिए यहाँ पर लाउड के प्लेयर्स पोर्टल तो मारते हैं बट भाई वो फाइट नहीं लेंगे। यहाँ पर मेक्सिको भले ही नॉक करते हैं लॉस को, जो कि एक सोलो प्लेयर थे पीक की तरफ से, जब पोर्टल लगा था तो वो नॉक करते हैं, हालांकि वो वहाँ पर रिवाइव हो जाते हैं। और लाउड के चारों ही प्लेयर अब तुम्हें यहाँ पर सीमेंटेड के ऊपर देखने को मिल रहा है, एंड जैसे वो सबसे पहले ऊपर आते हैं वो A1T4 से यहाँ पर दो बंदों का स्किल ऑफ भी करते हैं नेट्सूज माइनर्स का। अब देखो एक बहुत अच्छा ऑप्शन था लाउड के पास कि भाई चलो वो पुश कर दो एंड पुश करने के बाद फाइट ले लो, हालांकि वो फाइट नहीं लेते, क्योंकि लाउड को अच्छे तरीके से पता है कि अगर वो यहाँ पर फाइट लेंगे तो जो बगल में एल शेप पे होल्ड कर रही थी ना करिंथियंस, वो आके उन पे थर्ड पार्टी कर देगी, एंड ऐसे में उनके प्लेयर्स लूज होने के भी चांसेस रहेंगे, एंड उनको जोन में जाना भी है क्योंकि जोन यहाँ से जो डैमेज देगा बहुत ज़्यादा देगा, एंड प्लस काफ़ी सारी टीम अलाइव हैं, तो ऐसे में जो कोई सबसे सेफर एरिया होगा ना जोन के अंदर वो उन्हें मिल नहीं पाएगा, कोई सॉलिड कवर वाला एरिया या फिर कोई भी एरिया, एंड ऐसे में वो यहाँ पर कुछ सेकेंड होल्ड तो करते हैं सीमेंटेड हाउस के ऊपर की तरफ, ताकि एक अच्छा एरिया वो स्पॉट कर पाए जोन के अंदर, एंड देन वहाँ पर सीधे एक और पोर्टल मार के चले जाएँ। एंड वहीं पर यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिलता है, कुछ सेकेंड यहाँ पर ये होल्ड करते हैं सीमेंट के ऊपर, एंड देन वो यहाँ पर एक इमीडिएटली सेफर ऑप्शन देखते हैं कि भाई कहाँ पर हम जाएँ जो एक अच्छा सेफर एरिया होगा जोन के अंदर, एंड वो वहीं पर फिर होल्ड करेंगे। अब देखो जोन में तुमको यहाँ पर एक एरिया जानते होगे तुम लोग अच्छे तरीके से कि पत्थर वाला जो एक एरिया होता है, जो कि काफ़ी अच्छा एक एरिया होता है, सॉलिड कवर वाला एरिया होता है, तो लाउड का प्लान भी वही था कि वो वहाँ पर जाए। अब देखो पोर्टल तो लग चुका है, नेरी का वॉल भी इन्होंने लगा दिया, अभी यहाँ पर ये होल्ड नहीं कर रहे कि चलो ठीक है यहाँ पर मैंने वॉल लगा दिया चलो फाइट लेते हैं, वो फाइट नहीं ले रहे क्योंकि उनको जोन के अंदर जाना है। एंड देखो तुम चारों ही प्लेयर स्प्रिंटिंग अपना कंटिन्यू रख रहे हैं, वो रुक नहीं रहे, वो सीधे जाएंगे सर्कल के पास, एंड सर्कल में एक अच्छा एरिया जो पत्थर वाला एरिया वो वहाँ पर होल्ड करेंगे, एंड यही चीज का फायदा उठाती है करिंथियंस के प्लेयर्स, एंड करिंथियंस के प्लेयर एक प्लेयर को नॉक करते रहे उनको। अब देखो नेट्सूज माइनस जब पहली बार पोर्टल मारी थी ना रिच से, उनका प्लान यही था कि करिंथियंस से फाइट लेना, एंड करिंथियंस ने उनको छेड़ भी दिया, तो अब लाउड भी नहीं है, कोई भी टीम नहीं है, तो अब वो फाइट लेंगी, एंड वो फाइट लेंगी करिंथियंस से, एंड क्योंकि रेयन के पास यहाँ पर M79 लॉन्चर भी है, तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल हो जाता है कि भाई चलो फाइट लेना है, ठीक है।
तो अब देरी किस चीज की, लाउड के प्लेयर्स यहाँ पर चले गए थे, नेचुरल मैनर से यहाँ पर डिसाइड किया फाइट लेने का, एंड सीधे M79 से यहाँ पर पुश किया जाता है पोर्टल मार के, एंड पहले प्लेयर को यहाँ पर रियोन खुद नॉक कर देते हैं। अब यहाँ पर नॉक करने के बाद तीन प्लेयर बचे थे करिंथियंस के, जो कि यहाँ पर ट्राई कर रहे थे बचने का, क्योंकि भाई लॉन्चर से ऑटोमेटिक तुम्हारा डर एक नेक्स्ट लेवल हो जाता है। एंड देखते ही देखते यहाँ पर लाउड के प्लेयर्स भी नीचे फाइट ले रहे अल्फा से, हालांकि वो सीधे पुश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो पुश करेंगे तो भाई ऑटोमेटिकली जो तीसरी टीमों की ना, जो कि यहाँ पर वेयर हाउस पे होल्ड कर रही थी, वो यहाँ पर आके उनका मजे ले लेंगे। एंड इसलिए वो गेट कीप करने का ही ट्राई कर रहे थे, बेसिकली एक तरीके से सैंडविच सिचुएशन क्रिएट करने का ही ट्राई कर रहे थे एज ऑफ द सर्कल में रह के होल्ड करके, एंड वहीं पर फाइट भी ले रहे थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि नेट्स मैनेज का फाइट चल रहा होता है करिंथियंस से, हालांकि करिंथियंस यहाँ पर वाइप होने ही वाली है। एंड देखते ही देखते यहाँ पर सिर्फ सोलो पेयर बचे रहते हैं करिंथियंस के, जो कि थे ओमाटा ओमाला जो भी है, एंड वो यहाँ पर सीधे फिनिश हो जाते हैं। अब उसके बाद देखो नेट्स माइनर्स के प्लेयर्स को यहाँ पर तीन भले ही चार किल मिल गए और उनके तीन ही प्लेयर अलाइव हैं, ठीक है, अब उनको जोन में जाना है। जोन तो वो पहुंच जाएंगे, हालांकि अब उन्हें कोई सेफर जगह नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पूरा जोन में जो भी कवर वाला एरिया था ना, वो यहाँ पर लाउड ने ले लिया है, जो कि था पत्थर वाला एरिया। अब मैं तुमको यहाँ पर यही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर लाउड ने फ्यूचर का सोचा कि भाई चलो सबसे पहले सर्कल का एक कवर पकड़ते हैं एंड वहाँ से किल निकालेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे प्लेयर हैं। वहीं पर नेचुरल माइनर्स को भले ही चार किल मिल गए, हालांकि उनके अब एक प्लेयर एलिमिनेट हो चुके हैं, उनको अब तीन प्लेयर के साथ खेलना पड़ेगा, प्लस उनके पास अब आगे जोन में जाने के लिए कोई भी कवर वाला एरिया है नहीं। अब देखो INF के प्लेयर जो कि रिच पर होल्ड कर रहे, जो तुमको स्क्रीन में भी देखने को मिल रहे हैं अभी, टीम और लाउड यहाँ पर दोनों ही टीम ने एक तरीके से सैंडविच सिचुएशन क्रिएट कर देता था अल्फा के लिए। अब अल्फा के लिए तो बचना नामुमकिन था, क्योंकि वो जहां पर होल्ड कर रहे थे उनको दो टीम एक तरफ से वहां से INF मार रही है, एक तरफ से लाउड मार रही है, एंड लाउड भी अंधा पुश नहीं कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि अभी सही टाइम नहीं है पुश करने का, पहले अल्फा को फिनिश करते हैं एंड देन वो पत्थर वाला एरिया को पकड़ लेंगे, नेरी का वॉल लगा लेंगे ताकि एक अच्छा उनके लिए कवर बन जाए। एंड वही चीज उन्होंने किया, पर पोर्टल लगाया, पोर्टल लगाने के बाद जैसे INF फिनिश हुई वो सीधे चले गए पत्थर वाला एरिया को होल्ड करने के लिए। अब देखो नेट्स माइनर्स भी ये चीज़ कर सकती थी, बट नेट्स माइनर्स क्योंकि फाइट में इन्वॉल्व हुई करिंथियंस से, तो वो यहाँ पर ये चीज़ नहीं कर पाया। उनके लिए अब जोन में जाना विद थ्री मैन अलाइव मुश्किल रहेगा, क्योंकि कोई कवर भी नहीं है। अब यहां पर आगे क्या होता है कि जो टीम थी MIBR, उनका यहां पर फाइट होता है लाउड के साथ, एंड किस तरीके से लाउड ये फाइट को लेती है चलो आप उनको मैं वो दिखाता हूं। अब भाई जो चीज़ सबसे बहुत ज़रूरी होता है एक 4v4 फाइट में, यूटिलिटी का यूज़ करना, एक अच्छे रिसोर्स का यूज़ करना, जितने भी रिसोर्स है सबको यूज़ करना, वो तुम यहाँ पर सीख सकते हो दोनों ही टीम से, जो कि MIBR के प्लेयर थे तीन प्लेयर एंड लाउड के चार प्लेयर, दोनों ने ही भर भर के यूटिलिटी का यूज़ किया। देखो तुम यहाँ पर मेल्टर की बारिश होगी, लिटरली मेल्टर फ्लैश फ्रीज एक फाइट में इतने सारे यूज़ होते हैं ना बाहर के रीजन में, उतना हमें इंडिया में दिखने को मिलता नहीं है। इंडिया में सीधे एक हेड मारो, नॉक करो, पुश करो सीधा पोर्टल लगा के। बीच फाइट में अगर एक दो मेल्टर हो गया, फ्लैश फ्रीज हो गया, या फिर तुम्हारा कुछ भी नेड वेड हो गया तो अच्छी बात है, हालांकि ज़्यादातर ये होता है कि भाई पुश सीधे एंड रशर का रोल सबसे ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर। वहीं पर तुम यहाँ पर देखो भर भर के मेल्टर की बारिश हो रही है लिटरली, एंड तीन प्लेयर जो MIBR के थे वो काफ़ी अच्छे तरीके से टक्कर दे रहे थे लाउड के प्लेयर को, हालांकि क्योंकि नंबर एडवांटेज भी नहीं था उन पर, एंड जो लाउड है वो अच्छे तरीके से वहाँ पर खेल रही थी। हालांकि यागो नॉक होते हैं, बट सामने भी जो रिग भी थे वो अपना ट्रोगन लॉन्चर से में ही इतने बिजी थे कि उनको मौका ही नहीं मिला हील करने का, प्लस उनके पास नेरी का बॉल भी नहीं था, तो उनके लिए काफ़ी दिक्कत था वहाँ पर, एंड रिवाइव भी उनको जल्दी ही मिल नहीं पाया क्योंकि स्किल ऑफ हो चुका था, थीवा काम नहीं कर रहा था। अब MIBR भी यहाँ पर वाइप होती है। अब गाइस तुम लोग को ना वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में बताने कि लाउड ने पत्थर में होल्ड करके कितने किल्स निकाले, क्योंकि तुमने यहाँ पर देखा है कि लाउड के 6 किल हो गए एंड अभी वो और किल निकालेंगे, ठीक है, पत्थर में बैठ के उन्होंने काफ़ी सारे किल्स निकाल लिए। एंड वही चीज़ अगर वो वहाँ पर फाइट ले लेते ना ऊपर, जब वो आए थे सीमेंटेड हाउस के ऊपर जब उन्होंने पोर्टल मारा था, तो वो उनको उतना किल नहीं मिलता क्योंकि ठटपाटी हो जाता, करिंथियंस ठटपाटी कर देती एंड कुछ किल्स के बाद फिर वो जोन में जा नहीं पाते, क्योंकि जो पत्थर वाला एरिया था ना ये नीचे वाला, ये उन्हें मिलता ही नहीं, कोई और टीम आके इधर होल्ड कर लेती। तो एक अच्छा सही डिसीजन मेकिंग हमें इधर देखने को मिला लाउड के कुवान की तरफ से कि भाई नहीं अभी फाइट नहीं लेना है, पोर्टल मारा उन्होंने सीमेंटेड हाउस के ऊपर एंड देन वहाँ पर कुछ सेकंड वेट किया, एक अच्छा एरिया ढूंढा यहाँ पर जोन के अंदर वाला, तो उनको दिख गया एक पत्थर वाला एरिया, पोर्टल मारा एंड देन सीधे वहाँ पर वो सीधे रन किए भाई कि चलो पत्थर वाला एरिया पकड़ो, रास्ते में अल्फा आई थी उनको वाइप किया, पत्थर पकड़ा एंड देन वहाँ से भर भर के निकाले। आखिरी में INF के प्लेयर्स बचे थे, दो प्लेयर्स उनके बचे हुए थे, उनको यहाँ पर ये फिनिश करती हैं एंड उनको अच्छे खासे किल्स के साथ यहाँ पर बुया मिल जाता है
तो बुया भी मिला, किल्स भी मिल गया, एंड एट दी एंड एडवांटेज में लाउडी रही, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। तुमको सीखनी चाहिए कि किस तरीके से कब फाइट लेना है, कब फाइट नहीं लेना है। काइजल का यही काम होता है कि एक अच्छा डिसीजन मेकिंग ले। तो अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा फिर तुम्हारी टीम सीधे वाइप हो सकती है या फिर तुम्हारा बुया मिस हो सकता है। एंड इसीलिए ये चीज़ तुम सीख सकते हो कि भाई लाउड के प्लेयर्स ने किस तरीके से खेला, क्योंकि अक्सर जब तुम जोन के प्रेशर में रहते हो तुम्हें जोन जाना होता है, एंड ऐसे में सामने दो टीमें होल्ड कर रही होती है प्रॉपर कवर में, तो तुम्हारे लिए दिक्कत होता है कि भाई किस तरीके से हम लोग क्या करें। एंड ऐसे में अक्सर टीमें भूल जाती है एंड एक टीम से फाइट ले लेती है।